ताज़ा हालात न्यूज़ लाइव में मैं सैयद नवीद अंजुम आपका एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं। आप देख रहे हैं ताज़ा हालात न्यूज़ लाइव। हाँ नमस्कार, मैं माननीय मुख्यमंत्री निवासन मातोश्री में देशमुख बोलते हैं। हाँ हाँ कहिए सर। हाँ सर, डॉक्टर अनिस अहमद का। हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ जी। सर सीएम सर बात करने के लिए। हेलो। हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग डॉक्टर सर। हाँ मिलते मालेगांव। हाँ मालेगांव की हालत तो खराब है सर। मैं अच्छा हूँ लेकिन मालेगांव की हालत खराब है। अच्छा। हाँ तो क्या कर सकते हैं? मुझे मैंने वही संग्राम पाटिल से आपकी शायद बात हुई है। क्या यार। हाँ तो मेरा ऐसा यही मशवरा है कि भाई प्राइवेट क्वारंटाइन से फियर की वजह से लोग बाहर नहीं आ रहे हैं। अच्छा। हाँ और आप अभी आपके साथ कोई संपर्क में है क्या सर? कि आपने जो सिस्टम हम अपनी है। हाँ हाँ उनके साथ आप हो कि नहीं? नहीं अभी तक मैं ऑफिशियल सिस्टम के साथ नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं हुआ है अभी तक। जो तो पेशेंट से फीडबैक मिला है मैं वही बता रहा हूँ। आप बताइए लेकिन फिर मैं किसी को बताऊँ आपको कांटेक्ट करने के लिए? हाँ सर चलेगा। मैं कलेक्टर को भी बोलता हूँ। मैं अभी संग्राम से बात होने के बाद मैं निकल रहा था, प्राइवेट कुछ डॉक्टर जो मेरे जान पहचान के हैं उनसे मिल के हम लोग जो भी प्लान तय होगा कलेक्टर को कम्युनिकेट क्या करता हूँ। तब तक कलेक्टर जी को आपका नंबर दे देता हूँ। जी सर जी। आप संपर्क बनाए रखे और उनके साथ बातचीत कर कर कहाँ कहाँ कठिनाई आ रही है आप थोड़ा सा सॉल्व करिए ना। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल करेंगे क्योंकि वहाँ तो सभी जगह और मालेगांव में भी तो सब इसको तो रोकना ही होगा। हाँ सर रोकना ही तो है, जो लाइव बचा सकते हैं उतना तो कोशिश करना। बस 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 बस। हाँ सर थैंक यू सर। हाँ ओके तो मैं कलेक्टर जी को बोलता हूँ आपको। ओके थैंक यू सर। थैंक यू मच। रात गरजूंच्या मदतीला दानशूरांचा आधार। देगलूर शहरातील प्रभाग क्रमांक 5 मधील गरजूंना नगराध्यक्ष मोगलाजी शिरशेटवार व नगरसेवक शेख महमूद यांचा मदतीचा हात। लॉकडाऊनच्या काळात अनेकांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, त्यामुळे अनेक संस्था संघटना पक्ष पदाधिकारी मदतीसाठी सरसावले आहेत। कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मागील 1.5 महिन्यापासून लॉकडाऊन सुरू आहे, त्यामुळे शहरातील गोरगरीब हातावर पोट असलेल्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे। त्यामुळे शहरातील गोरगरीब गरजू कुटुंबाच्या मदतीसाठी मदतीचा हात घेऊन देगलूर नगरीचे नगराध्यक्ष मोगलाजी शिरशेटवार पुढे आले आहेत व त्यांनी स्वखर्चातून शहरातील अनेक हातावर पोट असलेल्या गोरगरिबांना जीवनावश्यक वस्तूचे किट वाटप केले। त्याच पार्श्वभूमीवर आज देगलूर शहरातील प्रभाग क्रमांक 5 मधील गोरगरिबांवर आलेली ही बिकट परिस्थिती लक्षात घेऊन नगराध्यक्ष मोगलाजी शिरशेटवार यांनी आपले कर्तव्य समजून स्वखर्चाने गरजू कुटुंबांना जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप करून समाजासमोर एक आदर्श निर्माण केला आहे। यावेळी देगलूर नगर परिषदेचे मुख्य अधिकारी गंगाधर इरलोड, उपविभागीय पोलीस अधिकारी रमेश सर्वदे, पोलीस निरीक्षक भगवानराव धबडगे, नगरसेवक शेख महमूद, माजी नगरसेवक खैसर देशमुख, पाशा बॅटको, नगरसेवक प्रतिनिधी अदय वानखेडे, शेख सर शेख मोहसिन, मोहम्मद आमिर, संतोष उनगुरतवार, मोहम्मद जाकीर, बबलू देशमुख, शेख जलील, शेख सद्दाम आदी यावेळी उपस्थित होते। सोशल डिस्टन्सिंग सामाजिक अंतराचे पालन करत सर्वांना 225 गरजू कुटुंबांना स्वखर्चातून जीवनावश्यक वस्तूचे किट वाटप करण्यात आले। अकोली तालुक्यातील मौजे अटकळी येथे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गावातील युवकांकडून कळेकोट बंदोबस्त। कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी
बिलोली तालुक्यातील मोजे अटखळी येथील गावातील युवकाकडून गावातील मुख्य रस्ताच बंद करण्यात आला आहे। गावात नवीन येणाऱ्या लोकांना प्रवेश निषिद्ध आहे। यामध्ये प्रवेश दिला जा गावामध्ये प्रवेश दिला जात नाही। युवकाकडून गावातील जाणारा मुख्य रस्ता व आजूबाजूचे रस्ते बंद करण्यात आले आहेत। भरकटलेल्या हरणाला पोलिसांनी जीवदान दिले व त्यावर उपचार केले। देगलूर तालुक्यातील मरखेल येथे कडपातून भरकट गावात शिरलेल्या एका हरणाच्या पिल्लास गावातील कुत्र्यांनी पाठलाग करीत जखमी करीत असताना पोलिसांनी सदरील हरणाला ताब्यात घेऊन उपचार केले। सहाय्यक पोलीस निरीक्षक आदित्य लोणीकर यांच्यासह पोलीस कर्मचारी रविशंकर बामणे, रवींद्र भुले, संजय बरबडेकर, राजीव लोखंडे, गजानन जोगपीठे, नागरगोजे कोल्हे आदीचे पथक कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गस्त घालताना येथील मयूर बारजवळ एका हरणाच्या पिल्लास काही कुत्रे पाठलाग करीत असल्याचे आढळून आले। या पथकाने तात्काळ हरणास पोलीस वाहनातून ठाण्यात आणून त्यावर उपचार केले। वन विभागाचे कर्मचारी मारुती पानगटवाड यांना पाचारण करीत त्या हरणाला त्यांच्या ताब्यात देण्यात आले।